Assalamualaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. आज मैं नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ. उम्मीद करती हूँ आपकी आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी. आज मैं बनाने वाली हूँ जो चावलों के साथ रायता खाते हैं, पुलाव के साथ. ये मैंने आधा किलो दही लिया, बूंदी, हरा धनिया, ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च, नमक, रोस्ट किया हुआ ज़ीरा, एक हरी मिर्च, इसको इस तरह बारीक काट लिया, थोड़ा सा प्याज है, ये क्यूकम्बर है, तार है, इसे खीरा भी बोलते हैं, ये एक टमाटर है, इसको बारीक बारीक करके काट लिया, ये थोड़ा सा मिल्क है, दूध है, ये है रेड पेपर फ्लेक. अब मैं दूध डालकर इसको मिक्स करूंगी दही को. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. रायते को बनाकर मेहमानों को पेश करते हैं इसी तरह. अब ये मिक्स हो चुका है, टमाटर डालने लगे. क्यूकम्बर ये ग्रेट की हुई है, क्यूकम्बर जिसे हम खीरा भी बोलते हैं, तार भी बोलते हैं, ये प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा धनिया इसमें डालूंगी. अब नमक डालने लगी, ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च, और थोड़ा सा ज़ीरे को मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए. बस इतना ही डालूँगी. अब मैं आखिर में बूंदी डालने लगी. अब मैं इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा दही में डालकर मिक्स कर लूँगी. चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा मिर्च तेज़ नहीं खाते. रायता अब रेडी है. अब मैं थोड़ा सा धनिया से गार्निश करूँगी. थोड़ा सा ऊपर ज़ीरा डालूँगी, रोस्ट ज़ीरा. रेड पेपर फ्लेक मैं स्प्रिंकल करने लगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगर आपके पास रेड पेपर फ्लेक नहीं है तो आप क्रश चिली फ्लेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्रश चिली डालना लाइक नहीं करती, पसंद नहीं करती, इसलिए मैं रेड पेपर फ्लेक डाल रही हूँ. ये भी ज़रूरी नहीं है, बस खूबसूरती के लिए ये डाल रही हूँ. जायका तो इसका होता है वैसे, लेकिन मुझे पसंद है ये. इसको ट्राई भी ज़रूर करें. उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी आज की.
अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सकें। और अपनी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।